नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना YouTube चैनल रवि टेक्नोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए एक सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आई हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सातवें चरण की जो प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू होने वाली है। बिहार के जो भी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग की तरफ डेट यहाँ पे जारी किया गया है और शिक्षक जो भर्ती है उसको लेकर अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रारंभिक स्कूलों में यहाँ पे 80,257 यहाँ पे रिक्त पद इसमें रखा गया है और यहाँ पे हाई स्कूल में 1,22,000 लगभग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल की जो कटिंग है मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो लमसम यहाँ पे 2 लाख से भी आसपास, 2 लाख से भी अधिक यहाँ पे भर्ती करवाई जाएगी। लमसम यहाँ पे 10 लाख का जो है 1/4 भाग जो है शिक्षा विभाग में दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या योग्यता रखा जाएगा। दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा लगभग पुस्तकालय की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिलहाल दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर का कटिंग पड़ा हुआ है और इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री बोले यहां पे कि भर्ती की प्रक्रिया में होंगे बदलाव, दिसंबर अंत तक जनवरी तक आ सकती है वैकेंसी, यानी दिसंबर अंत तक यानी या नहीं तो जनवरी तक यहाँ पे जो वैकेंसी है उसकी रिलीज कर दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी ही काफी पदों पे वैकेंसी करवाई जाएगी और शिक्षक की भर्ती है। तो दोस्तों, कहीं आप उम्मीद रखते हैं कि हम बिहार में शिक्षक के पद पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी निकल के आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सातवें चरण में पहले हाई स्कूलों में फिर प्राथमिक विद्यालय में होगी बहाली, यानी जो सातवें चरण का जो शिक्षक की जो प्रक्रिया है यहाँ पे सबसे पहला जो है हाई स्कूल जो विद्यालय है उस विद्यालय में भर्ती करवाई जाएगी। उसके बाद ही दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे ये भर्ती करवाई जाएगी, बहाली होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सातवें चरण के यहाँ पे कुछ पद यहाँ पे देख सकते हैं, प्रारंभिक स्कूल में 80,252 पद यहाँ पे रखे गए हैं और हाई स्कूल में यहाँ पे देख सकते हैं 1,22,000 सीट यहाँ पे है पूरे बिहार में और प्रधानाध्यापक के भी इसमें पद है 6,000 और पुस्तकालय का सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,893 पोस्ट है। तो जो लाइब्रेरी टीचर होते हैं उनका भी यहाँ पे काफी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शिक्षा मंत्री है वही बोले हैं, बता रहे हैं कि पहले हाई स्कूलों में बहाली होने पर रिक्त पद नहीं रहेंगे। देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जेन्युइन तरीका अपनाया गया है ताकि जो भी पहले होता था वैकेंसी उसमें बहुत सारा जो रिक्त पद है खाली रह जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे केंद्रित किया गया है और इसमें जो है कुछ रूल रेगुलेशन जारी किए गए हैं। पहले सबसे पहले हाई स्कूल के जो शिक्षक उसको यहाँ पे बहाल करवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है इसमें 1/4 पर शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख का जो वादा किया गया था उन पर 1/4 जो भाग है यहाँ पे शिक्षक के पद पर बहाली होगी बिल्कुल शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, चलिए बताते हैं इस अपडेट में बताया जा रहा है कि सातवें चरण प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने की, हाई स्कूल में शिक्षक की बहाली होगी, उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 79,734, प्राथमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी, यानी कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी, प्रारंभिक स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी, हाई स्कूल में 6,000 प्रधानाध्यापक पद की भी बहाली यहाँ पे होगी, 1,893 पुस्तकालय के पद पर भी इसमें वैकेंसी है। और इसमें बताया जा रहा है कि माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक अगर आता है या फिर नहीं आता है तो यहाँ पे नए साल में यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक जो हाई स्कूल का जो बहाली है वो आपको जनवरी में निकाल दी जाएगी, यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट यहाँ पे जारी किया गया। फिर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 सत्र के प्रारंभ में हाई स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट जो है 23-24 तक यहाँ पे फाइनल करने के लिए प्रोसेस यहाँ पे अपडेट जारी किया दिया गया है। 2023 का जो भी 1 जनवरी है उससे पहले इसका वैकेंसी निकाला जाएगा, नहीं तो जनवरी के स्टार्ट में इसका निकाल दिया जाएगा। फिर इसमें बताया जाएगा कि प्रत्येक पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होने के बाद राज्य में 9,930 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो इसलिए इन स्कूलों पर शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की आवश्यकता है, प्राथमिक स्कूलों से पहले हाई स्कूल के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होने से सीट खाली रहने की संभावना कम रहेगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले जो शिक्षक का जो
यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे जो सीट है रिक्त यहाँ पर रह गया था, उसी को लेकर यहाँ पर रूल फॉलो किया जा रहा है कि सबसे पहले आपको हाई स्कूल वाले जो शिक्षक है उनको भर्ती करवाई जाएगी, फिर उसके बाद जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर भर्ती करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम योग्यता है और इसमें जो है क्वालिफिकेशन के भी बारे में जिक्र किया गया है। फिलहाल हम इसमें देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो भी बीएड के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी और सीटीटी या सीटेट उत्तीर्ण है, हाई स्कूल के लिए चयन हो जाने के स्थिति में प्राथमिक विद्यालय की बहाली में अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जो कैंडिडेट अगर हाई स्कूल में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो प्राथमिक विद्यालय में बहाल नहीं होंगे। फिर इसमें सातवें चरण के शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों के केंद्रीय तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ली जाएगी और छात्रों को नियोजन इकाई का ऑप्शन भी मांगा जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग में लगभग 10 लाख के यहाँ पे एक चौथाई भाग यानी देख सकते हैं कि 2.5 लाख पदों पर वैकेंसी करवाई जाएगी बिल्कुल शिक्षा विभाग में। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आया हुआ है आप लोग के, बहुत ही बेहद खुशखबरी है। तो दोस्तों अभी से आप यहाँ पे एक्टिव हो जाए इसके प्रति, जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं इस चैनल पर लगातार मैं आपको जानकारी देने के लिए प्रयास करता हूँ। फिलहाल आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो सिंपली दोस्तों इस तरीके से जो अपडेट था आज जारी किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चलते हैं किसी और टॉपिक पर इसी तरह का, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।